हो गई है शाम और मैं जा रहा हूँ जैकी को वॉक कराने। जैकी मेरे साथ में, देखो ये रहा, बहुत ताकत लगा रहा है ये, क्या जरा बहुत ज़्यादा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे हों, मैं भी अच्छा हूँ, सो उठ चुका हूँ, मैं वॉक करके भी आ गया हूँ। आप चलते हैं, काम चल रहा है, आज मक्का की हो रही है लड़ाई गुड़ाई, तो वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले करते हैं नाश्ता पानी, उसके बाद चलेंगे। गैस देखो, चल रही है मक्का की नराई, मैं पहुंच गया हूँ खेत पे खाना लेके, और 15 लोग बैठे हैं नराने के लिए मक्का को, क्योंकि इसमें घास ज़्यादा हो गई तो वो कीड़ा भी लग गया, वो सब ख़त्म हो जाएगा। बैठ के चल रहा है काम, ये देखो इधर की तो सारी की सारी मक्का नर चुकी है। गैस मैं पहुँच गया घर और चल रहा है घर पे काम, रेनोवेशन का, पेंट वेंट हो रही है, ये देखो कितनी गंदगी कर रखी हुई है, सब सुटाई जा रही है, जो पपड़ी पड़ गई थी सीलन की वजह से, और यहाँ लगे पड़े हैं तेरे लोग भाई बाहर। चल रहा है जीने में काम, भाई देखो सिद्धि पकड़ा हुआ है मनोज भाई, भैया कर रहे हैं काम ऐसे करते रहते। टोटो कहाँ घूम रहा है? टोटो आजा, आजा टोटो। बादल गैस हो गई है शाम और मैं जा रहा हूँ जैकी को वॉक कराने। जैकी मेरे साथ में, देखो ये रहा, बहुत ताकत लगा रहा है ये, क्या जरा बहुत ज़्यादा। गैस मैं तो थक गया इसको ले जाके, सच में बहुत ताकत लगाता है ये, वो भाई ब्रीड नहीं है ये, देसी है भाई, तो देसी की ताकत तो आपने देखी होगी, देसी में हर चीज़ में ताकत होती है भाई, ब्रीड नहीं है जो आराम से चले, देसी है, खींचता है इसको एक आदमी, तो भाई कोई बच्चा तो इसको पकड़ ही नहीं सकता, उसको तो खींच ले जाएगा, रिगड़ देगा ढंग से। तो मैं दिखा दूँ कितनी ताकत लगा रही है, बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहा है, कितनी ताकत लगा रहा है, बहुत ज़्यादा भाई। आराम से चलना, मैं तो परेशान हो गया तेरे को लाके ही। ओए जैकी कम आराम से भाई, देख रहे हो कितनी तेज़ आवाज़ निकल रहा है, मुंह फाड़ गया, ये है देसी की खासियत। इधर देखा, इधर देखा, आराम से। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, ये इसकी छवीं नंबर की सांकर है, इसने 5 ऑलरेडी तोड़ दी हैं, क्योंकि ये बहुत ताकत लगाता है, इसको बांध दो तो ये घूमने के लिए बहुत करता है, और इसको छोड़ दो तो घूम के कम से कम 4-5 घंटे जब आएगा पकड़ाई भी नहीं देता, इसलिए खोलते नहीं इसको। और अभी ये हो गया आपका 1 साल 3 महीने का हो गया ये, और अभी इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हुई है, इसको थोड़ी हमने डाइट वाइट नहीं दी, इसको हम चिकन वगैरह नहीं खिलाते क्योंकि हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। तो ये देखो देसी सूंघ के चलता है हमेशा, पता नहीं किस चीज़ की स्मेल आती है इसको। मैं कोई चिकन विकन नहीं देता क्योंकि हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, तो हम इसको खाली रोटी सब्जी और इसको देसी चीज़ आइटम जो मट्ठा है वो पिलाते हैं, और अदरवाइज इसको कोई भी चीज़, इसको पेडिग्री वगैरह नहीं देते हम, क्योंकि इसको पैटिगरी देंगे तो ये और भी नहीं रुकेगा और ज़्यादा परेशान करेगा। और देखो अभी भी कितनी ताकत लगा रहा है, देखो पीछे कहाँ घुसा पड़ा है, देख रहे हो कहाँ लेके जा रहा है भाई, कहाँ कहाँ जा रहा है, इसको किसी चीज़ की स्मेल आ रही है, देखो देखो कहाँ जा रहा है, इधर आ आजा। और सबसे खास बात ये है, ये किसी पर भौंकता भी नहीं है और इसने अभी तक किसी को काटा भी नहीं है, ये तो अच्छा ही है, और अच्छी बात है किसी की शिकायत नहीं आई, वो ही बढ़िया है। अगर मैं इसको पेडिग्री वगैरह और थोड़ा चिकन विकन खिलाना शुरू कर दूंगा तो ये काटना शुरू कर देगा, और अभी मैंने इसको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी है जिससे हमें प्रॉब्लम हो और इसे प्रॉब्लम हो। तो इसकी जो डाइट है वो रोटी और मट्ठा, दूध और सब्ज़ी, हम इसको नमक मिर्च खिलाते रहते हैं,
जैसे हम खाते हैं वो ये खाता है। गैस में पहुँच गया खेत पर, ये देख रहे हो मेरे पीछे ये गेहूँ पक चुके हैं और इनका अब कटने का नंबर लगेगा क्योंकि मौसम ख़राब है, बारिश हो रही थी तो इसलिए अभी डिले कर दिया है क्योंकि बारिश होगी, कट गए तो ख़राब हो जाएंगे ये, इसलिए इनको अभी रोक रखा है। शायद मेरे हिसाब से दूसरे खेत में नंबर से लग गया, वो कट रहे हैं और जगह जगह देख रहे हो अब कहीं गिर भी गए हैं ये बहुत ज़्यादा। हर तरफ गेहूँ पक गए हैं, हर किसी के गेहूँ पक चुके हैं तो हर किसी के गेहूँ कटने को तैयार हैं। मौसम ख़राब है, कल रात बारिश हुई थी 3 बजे के समय और आज भी मौसम थोड़ा ख़राब है। गैस में आ गया घर, डॉगी को छोड़ दिया मैंने घेर पे, बांध दिया उसको क्योंकि वो वहीं रहता है और घर हम रख नहीं सकते क्योंकि वो अपने खुला रहता है रात को, तो उसको छोड़ देते हैं वहीं। खाना पीना भी दे आया हूँ उसका, तो अब मैं वीडियो करता हूँ यहाँ। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। वॉचिंग दिस वीडियो।